बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हिंदुस्तान के सेक्युलर लोगों को हिंदू विरोधी बताया है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में तस्लीमा नसरीन ने कहा कि हिंदुस्तान में जो लोग धर्म निरपेक्षता का झंडा उठाए हुए हैं, वे अधिकतर लोग हिंदू विरोधी हैं और मुस्लिम समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि धर्म निरपेक्ष लोग हिंदुओं के कामों की आलोचना करते हैं, जबकि मुसलमानों के गलत कामों में भी उनका बचाव करते हैं। हालांकि विरोध के तौर पर लेखकों के पुरस्कार लौटाने को तस्लीमा नसरीन ने सही बताया। इंटरव्यू के दौरान तस्लीमा नसरीन का दर्द भी जुबां पर आ गया। उन्होंने कहा कि जब उनकी किताब पर बैन लगाया जा रहा था और उनके खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे थे, तब कोई लेखक उनके समर्थन में नहीं था। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि उन्हें कई महीनों तक दिल्ली में नजरबंद रखा गया। यही नहीं, उनके मेगा सीरियल को भी बैन कर दिया गया, लेकिन किसी भी कलमकार ने उनके हक की बात नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में कई लेखक दोहरा मापदंड अपनाते हैं। तस्लीमा नसरीन ने पश्चिम बंगाल के दो लेखकों सुनील गांगुली और शंख घोष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी एक किताब पर बैन करने के लिए इन दोनों लेखकों ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पर दबाव बनाया था। भारत के सेक्युलर नेताओं को भी तस्लीमा नसरीन ने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भारत में नेता सिर्फ वोटों की सियासत के लिए मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करते हैं। भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव की बातों को नकारते हुए तस्लीमा नसरीन ने कहा कि अगर भारत में भेदभाव होता तो मुसलमान बांग्लादेश और पाकिस्तान की शरण लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर मुसलमानों ने भारत में शरण ली है। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब फॉलो एंड लाइक।